हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। आज हम बनाएंगे बची हुई खिचड़ी की एकदम अनोखी रेसिपी, जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करोगे और ये बनाने में भी एकदम आसान है। ना हम इसे फ्राई करेंगे, ना ऑयल का कोई भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए एक कप खिचड़ी या एक कटोरी खिचड़ी, जितनी भी बची हुई थी उसमें जाएगी आधी कटोरी से ज्यादा थोड़ा सा रवा। रवा आप बारीक भी ले सकते हो या मोटा भी यूज कर सकते हो। उसी कटोरी से इसमें जाएगा एक कप दही। दही पूरा एक साथ नहीं डालना है, बैटर की कंसिस्टेंसी को देखकर डालना है। अब इसे मिक्सी में एकदम स्मूथ ब्लेंड करके लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने पूरा दही इसमें डाला है दो बार। ये टोटली आपकी दही के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। दही अगर पतला हो तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको पतली होगी। अब इसमें जाएगा नमक। खिचड़ी में ऑलरेडी जीरा, हींग सारे मसाले होते हैं, तो कुछ भी आपको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। मैंने इसमें पानी यूज नहीं किया है, आप चाहो तो थोड़ा यूज कर सकते हो। अब तवे की फ्लेम को मीडियम करना है और इस तरह से इसके उत्तपम बनाकर लेने हैं। एकदम जाड़ा डोसा इसका बनाना है। जैसे हम उत्तपम बनाते हैं उसी तरह से बैटर को फैलाना है। इसके ऊपर आपकी पसंदीदा सारी सब्जियां डालनी है। मैंने यहाँ पर डाला है प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, ग्रेट किया हुआ गाजर भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो पालक या खीरा भी यूज कर सकते हो, शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने डाली थोड़ी सी फ्रेश हरी कटी हुई धनिया। इस तरह से इसे जेंटली ऐसे प्रेस करके लेना है ताकि सारे ये जो वेजीज है अच्छे से अंदर फिट हो जाए। गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ टेस्ट को एकदम एनहांस करने के लिए घी। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, नीचे से अच्छी तरह से पकने के बाद इसे दोनों तरफ से पकाएंगे। आप चाहो तो एक ही साइड से इसे ढक्कन रखकर पका सकते हो। एकदम बढ़िया से ये पककर रेडी होता है। जैसे हम नॉर्मल उत्तपम बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना है और निकाल लेना है, गरम गरम सर्व करना है। एकदम जबरदस्त इसका टेस्ट लगता है। खिचड़ी में ऑलरेडी मसाले होते हैं और जब हम उसे दही के साथ इस तरह से खाओगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।